अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुनीब जावेद और आप देख रहे हैं मुनीब जावेद यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूं सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनियम के अकाउंट लेवल 2 के बारे में। अकाउंट लेवल 2 को आप वेरीफाई किस तरह कर सकते हैं और उस पर आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जो आप वहां पर अपलोड करेंगे और आपका अकाउंट लेवल 2 भी वेरीफाई हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और आपका इलेक्ट्रोनियम का अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश की अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल के आइकन को लाजमी से क्लिक कर लीजिए ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स आज अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे हो, यहाँ पे मेरे पास anytask.com ओपन है और साथ में मेरा इलेक्ट्रोनियम का अकाउंट भी ओपन है। और यहाँ पे पहले आपको नोटिस नजर आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, लेकिन वो उन्होंने कंफर्म नहीं किए, वेरीफाई नहीं किए। उन्होंने मुझे वापस भेज दिया कि भाई ये जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए थे ये वेरीफाई नहीं हो सकते। वजह क्या थी, क्यों वेरीफाई नहीं हुआ, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा और आप किस तरह के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे शेयर करें, अपलोड करेंगे और लेवल 2 को कंप्लीट करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है वो भी आज डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे अपनी एक बैंक की, मुझे मैंने एक एडमिशन भेजा था, उसकी कॉपी थी चलान की, तो वो मैंने यहाँ पे सबमिट की थी लेकिन उन्होंने डिक्लाइन कर दी। वजह उसकी ये थी कि उन्होंने मुझे कहा था कि भाई आपने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं वो वेरीफाई नहीं हो सकते, वो आपके अकाउंट के साथ मैच नहीं कर रहे। मेरी उसमें गलती क्या थी, उसमें तो एक तो मेरा आईडी कार्ड नंबर नहीं था जो कि मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। अब चले आपको इनके ही जुबान से बता देता हूँ। स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, योर स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी लेस देन 3 मंथ ओल्ड एंड विल बी यूज टू वेरीफाई द इंफॉर्मेशन डेट यू हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड। ये कह रहे हैं कि भाई आपके जो डॉक्यूमेंट्स है जो आपने लेवल 2 के लिए यहाँ पे अपलोड करने हैं वो कम से कम 3 मंथ जो है वो पुराने होने चाहिए और उन डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच करने होने चाहिए जो आपने पहले प्रोवाइड किया, मतलब अकाउंट लेवल 1 को कंप्लीट करने के लिए जो आपने आईडी कार्ड और अपनी पिक दी है उनके साथ मैच करने चाहिए, ठीक। अब वो हमारे डॉक्यूमेंट कौन कौन से हों जो कि यहाँ पे आपको आप दे सकते हैं और आप वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके यहाँ पे आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। पहले ये 5 किस्म के उनके डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनको रिक्वायर्ड हैं जो आप यहाँ पे अपलोड करके अपना जो है अकाउंट वेरीफाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट की, कि अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है तो आप वहाँ पे अपलोड कर लें और अपने अकाउंट का वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि बैंक स्टेटमेंट उन डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच करनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट आपके नाम से होनी चाहिए जिस नाम का आपने आईडी कार्ड अकाउंट लेवल 1 के लिए अपलोड किया है, आपने पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उनके साथ मैच करनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरा यूटिलिटी बिल्स हैं, गैस है, इलेक्ट्रॉनिक। अब बहुत सारे भाई ये सवाल कर रहे हैं कि भाई हमारे पास तो यूटिलिटी बिल्स नहीं है, गैस के बिल हमारे नाम पे नहीं है, पापा के नाम के हैं, भाई के नाम पे हैं, मम्मा के नाम पे, किसी के भी नेम पे हैं। तो उसका आसान तरीका यह है कि छोड़ दें, अकाउंट लेवल 2 की वेरिफिकेशन ना करें, जाएं जिसके नाम पे यूटिलिटी बिल्स हैं, गैस का बिल जिसके नाम पे आता है, जिसके नेम पे आपका बिजली का बिल आता है, उनके नेम से, उनके आईडी कार्ड से जाके उनके नेम पे इलेक्ट्रॉनियम का अकाउंट बनाएं, उनका आईडी कार्ड दें, उनकी पिक दें और उनका ही गैस का बिल या उनके नाम पे जो बिल गैस का आया है या बिजली का बिल आया है वो यहाँ पे लेवल 2 में आके वो अपलोड करके आप जो है वो इसको कंफर्म कर लें। अब गवर्नमेंट इशू टैक्स स्टेटमेंट अगर आपके पास है वो दे लें, गवर्नमेंट इशू बेनिफिट स्टेटमेंट। ये सब रूल इसी तरह होंगे कि अगर जिसके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसके नेम पे वो डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उनके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने से पहले उनके नेम पे अकाउंट क्रिएट करें, ठीक है, उनका आईडी कार्ड दें, उनकी पिक दें, उसके बाद जब अकाउंट लेवल 1 कंप्लीट हो जाए उनके नेम पे तो फिर उनके नेम पे जो बैंक स्टेटमेंट है, गैस का बिल है, बिजली का बिल है, आपके पास गवर्नमेंट इश्यूज टैक्स स्टेटमेंट है, कुछ भी है जो लेवल 2 को वेरीफाई करने के लिए आप जो है वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड करके अपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर सकते हैं, अपना लेवल 2 सेटअप जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं बहुत इजीली तरीके से, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान काम है। दोस्तों ये थी वीडियो आज की, जो कि बहुत ज़्यादा भाइयों के सवाल आ रहे थे, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि भाई अकाउंट लेवल 2 कैसे कंप्लीट करें, तो ये मुकम्मल सेटअप मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आज जितना हो सकेगा आपको गाइड कर दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।